Hello everyone! Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM. And here I am back with another video. So today's video is about the test checking concept. We are going to discuss the concept of test checking in auditing. And I am going to give you some simple examples to clear the concept of test checking. So video called last तक and clear your concept of test checking. तो टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टेस्ट चेकिंग इन ऑडिटिंग सो टेस्ट चेकिंग क्या है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सो ऑडिटिंग के ऊपर मैंने एक नया कोर्स डाला है अनएकेडमी uh, के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सो so, आपने अगर अन एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अभी तक मेरा कोर्स नहीं देखा तो प्ले प्ले स्टोर में जाए अनएकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है मेरे प्रोफाइल का और उसमें जाके वो कोर्स में एनरोल हो जाए सारे लेसन्स आपको उस कोर्स में लाइन से मिल जाएंगे सो so, यहाँ पे मैंने सारे लेसन्स uh, जो है वो डाले हैं रिलेटेड टू दी ऑडिटिंग पार्टीज कंसर्न बट वहाँ पे आपको और कुछ डिटेल मिल जाएगा और सारे लेसन्स लाइन में मिलेंगे कोर्स को रेट रिव्यू ज़रूर करें एज वेल एज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट टेस्ट चेकिंग आज हम टेस्ट चेकिंग के बारे में बात करेंगे टेस्ट चेकिंग क्या होता है और टेस्ट चेकिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो ऑडिटर अपने ऑडिट के दौरान काफ़ी टाइम यूज करता है सो बेसिकली टेस्ट चेकिंग क्या है ऑडिटर uh, जो है उसको हर एक चीज़ चेक करना फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का पॉसिबल नहीं होता है तो इसीलिए वो क्या करता है कुछ सिलेक्टेड आइटम्स को सिलेक्ट करता है फ्यू आइटम्स को सिलेक्ट करता है और उन्हीं को चेक करता है और उनको चेक करने के बाद एक जजमेंट देता है कि सारे बाकी के ट्रांजेक्शन्स भी चेक किए हुए हैं जो वो सारे ट्रांजेक्शन्स भी प्रॉपर है दैट मीन्स अगर हंड्रेड ट्रांजेक्शन्स है तो वो हंड्रेड ट्रांजेक्शन्स में से रैंडम सैम्पलिंग से जो ट्रांजेक्शन्स वो चाहता है वो ट्रांजेक्शन चेक करता है और उसके बेसिस पे एक जजमेंटल फैक्टर है कि रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर ऑल्सो परफेक्ट तो टेस्ट चेकिंग में हम बोल सकते हैं पार्शियल चेकिंग टेस्ट चेकिंग क्या होता है पार्शियल चेकिंग ऑफ रिकॉर्ड्स बाय द ऑडिटर तो पार्शियल चेकिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स बाय द ऑडिटर का मतलब होता है वो पूरा चेक नहीं कर रहा है वो पार्शियली चेक कर रहा है अगर वो पार्शियली चेक करेगा तो उसके बेसिस पे जो वर्क है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा एज वेल एज जो डिसीजन मेकिंग है वो उस बेस पे ही देने वाला है जितने ट्रांजेक्शन उसने चेक किए हैं तो अगर उसने कम ट्रांजेक्शन चेक किया और कम ट्रांजेक्शन में उसको कुछ भी प्रॉब्लम फेस हुआ है या कुछ भी प्रॉब्लम उसको लगा कि कंपनी ने प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड नहीं किया है तो उसका जजमेंट ये रहेगा कि बाकी के ट्रांजेक्शन्स में भी एरर्स या, या फ्रॉड्स हो सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ टेस्ट चेकिंग टेस्ट चेकिंग इज नथिंग बट एग्जामिनिंग लेस देन हंड्रेड परसेंट मतलब हंड्रेड परसेंट से कम ट्रांजेक्शन्स को चेक करना

टेस्ट चेकिंग के बेसिस पे देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे अप्रैल का ट्रांजेक्शन देखेंगे फिर आ, उसके बाद आ, अगले दो तीन महीने छोड़ देंगे फिर उसके बाद का ट्रांजेक्शन देखेंगे फिर अगले दो तीन महीने छोड़ देंगे ऐसे हम क्या करेंगे आ, वो जो कंसेप्ट है वो फॉलो करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड टेस्ट चेकिंग दैट दैट इज वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो हंड्रेड परसेंट चेकिंग लेकिन हम कम चेक करेंगे लेकिन अप्रोप्रेट रिजल्ट आए उसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे तो टेस्ट चेकिंग मीन्स टू सिलेक्ट एन एग्जाम इन रिप्रेजेंटेव सैंपल फ्राम अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स

हम कितने एक्सपेंसेस को आउच करेंगे हम सिर्फ ऐसे एक्सपेंसेस को वाउच करेंगे जो 5000 के ऊपर है सो दैट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये टेस्ट चेकिंग है तो टेस्ट चेकिंग मीन्स जितना भी सैंपल है उसमें से सर्टन छोटा सा सैंपल सिलेक्ट करना और उसके बेसिस पे जजमेंट लेना अभी कुछ हम फीचर्स पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ टेस्ट चेकिंग तो फीचर्स ऑफ टेस्ट चेकिंग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है टेस्ट चेकिंग के वो हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट इज फुल कवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखो टेस्ट चेकिंग में ये जो फर्स्ट पॉइंट आया है फुल कवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका मतलब ऑडिटर जो है वो ऐसे ट्रांजैक्शंस देखेगा कि उससे पूरा जो ईयर है उसके सारे के सारे ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली चेक हो जाएंगे जैसे टेस्ट चेकिंग हमने प्लान किया है कि हम पूरे जितने भी मंथ्स ट्वेल्व मंथ्स के जो ट्रांजैक्शंस अवेलेबल है उसमें से हम टेस्ट चेकिंग फॉलो करके जजमेंट देंगे अब अगर एक्सपेंसेस जून के जुलाई के अगस्त के ऑलरेडी हमने चेक कर लिए थे तो वो हम टेस्ट चेकिंग में नहीं लेंगे हम दूसरे मंथ्स लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया देखो जून जुलाई ऑगस्ट का ऑलरेडी हमने वाउचिंग कर लिया था बाकी के सारे मंथ्स का अगर हम उसमें से टेस्ट चेकिंग फॉलो करें तो क्या हो जाता है जून जुलाई ऑगस्ट का तो ऑलरेडी हमने चेक कर लिया है रिमेनिंग मंथ्स का करेंगे तो जो पैरामीटर्स हमने डिसाइड किए वो थोड़े से वास्ट हो जाएंगे एज वेल well एज ट्रांजेक्शन्स हम ज़्यादा चेक कर पाएंगे और एरर और फ्रॉड प्रॉपरली ढूंढ पाएंगे ये भी एक पॉइंट है फुल कवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ फुल कवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब जो हमने वाउचिंग ऑलरेडी किया है उसको हम टेस्ट चेकिंग में नहीं लेंगे टेस्ट चेकिंग में हम दूसरे मंथ ले सकते हैं सो so दैट हमारा पूरे साल का जो इन्फॉर्मेशन है उससे जितना भी हमें ट्रांजेक्शन्स का चेकिंग करना है वो अप्रोप्रिएट हो रिलायबल हो जाए नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी मटीरियल आइटम इज चेक कंप्लीटली तो हम एवरी मटेरियल आइटम को प्रॉपरली चेक करेंगे हम नॉन रिकरिंग आइटम्स हम अनयूजुअल आइटम्स हम सभी को प्रॉपरली टेस्ट चेकिंग के बेस पे चेक करेंगे तो ये अगर हम फॉलो कर रहे हैं मटेरियल आइटम इस चेक प्रॉपरली तो उसकी वजह से काफी फ्रॉड्स और एरर्स हम पकड़े जा सकते हैं और सारे पॉइंट्स वरना अकाउंटेंट को ऐसे लगेगा कि ऑडिटर तो टेस्ट चेकिंग फॉलो कर रहा है अभी मैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करूं तो ऑडिटर मुझे पकड़ नहीं पाएगा लेकिन ऑडिटर जो भी रैंडम सैंपलिंग फॉलो कर रहा है वो टेक्निक अकाउंटेंट को पता नहीं चलनी चाहिए कि ऑडिटर ने एक ही तरीके से हर बार टेस्ट चेकिंग नहीं करना है उसको हर बार चेंज करते रहना है ताकि अकाउंटेंट को पता ही ना चले कि ये किस बेस पे चेक कर रहा है सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एवरी मटीरियल आइटम इज चेक कंप्लीटली द नंबर थर्ड पॉइंट इज थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चेक करेंगे द सैंपल अंडर टेस्ट चेकिंग इज सिलेक्टेड विद दी प्रोबेबिलिटी दैट ऑल अदर ट्रांजेक्शंस वुड बी सिमिलर मतलब अगर हम एक मंथ का ट्रांजेक्शन चेक करके रिमेनिंग इलेवन मंथ्स का जजमेंट पास कर रहे हैं तो इसके लिए रिमेनिंग इलेवन मंथ्स के ट्रांजेक्शन भी सिमिलर होने चाहिए सारे के सारे ट्रांजेक्शन अगर सिमिलर होंगे तो ही हम लोग एक महीना या दो महीने के ट्रांजेक्शन चेक करके रिमेनिंग मंथ्स का जजमेंट पास कर सकते हैं सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी तो जो हम सैंपल सिलेक्ट करने वाले हैं उसमें सारे चीजें सेम थी उसी के बेसिस पे हम टेस्ट चेकिंग करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा वरना एक मंथ में ट्रांजैक्शन अलग है दूसरे मंथ में कोई अलग ट्रांजैक्शन है हम एक महीने का ट्रांजैक्शन को दूसरे महीने के ट्रांजैक्शन से जज कर दे रहे हैं डायरेक्टली इट इज़ नॉट पॉसिबल सो इट इज़ बिन अज्यूम दैट थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज फॉलोड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज़ ऑफ जजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट सो ये ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है टेस्ट चेकिंग बिकॉज ऑडिटर का जजमेंट अगर स्ट्रांग रहा ऑडिटर अगर एक्सपीरियंस रहा ऑडिटर ने इसके पहले काफी जगह पे टेस्ट चेकिंग फॉलो किया है सो एट दैट टाइम ऑडिटर नोज दैट की विच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन शुड बी चेक विच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन अब देखो मार्च महीने में क्लोजिंग का टाइम होता है तो मार्च महीने में मैक्सिमम ट्रांजेक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसमें कुछ डमी ट्रांजेक्शन बोगस ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं सो ऑडिटर को यह पता है कि यूजअली मार्च महीने में यह सब प्रॉब्लम्स फेस होते हैं तो उसने सारे मार्च महीने के ट्रांजेक्शन चेक कर लिए ताकि एरर या फ्रॉड जो भी कुछ किया होगा वो हम पकड़ ले तो दैट इज द जजमेंट तो ये हर एक के जजमेंट के ऊपर है कि कोई ऑडिटर टेस्ट चेकिंग में अच्छे फ्रॉड्स एंड एरर्स आइडेंटिफाई कर सकता है सारे ट्रांजैक्शंस को चेक किए बिना पूरा जजमेंट कंसिडरेबल हो जाएगा लेकिन कुछ ही और कुछ ऑडिटर्स को ये टेस्ट चेकिंग का कंसेप्ट प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ जजमेंट नंबर फिफ्थ इज रिक्वायर्स सरप्राइज विजिट तो टेस्ट चेकिंग इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ऑब्वियसली सिलेक्शन ऑफ द सैंपल इज डन इन द मैनर सच दैट क्लाइंट्स एम्प्लॉयज जो रहेंगे वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे मतलब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि क्लाइंट का जो एम्प्लॉइज है मतलब अकाउंटेंट है उनको पता ही नहीं चलना चाहिए ऑडिटर कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है अगर उसको पता चल रहा है कि ऑडिटर समझो जनवरी का ट्रांजेक्शन चेक करता है फिर फेब्रुवरी छोड़ देता है फिर मार्च का ट्रांजेक्शन चेक करता है फिर एक महीना छोड़ देता है ऐसा अगर वो चेक कर रहा है तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम तो उसके वजह से ऑडिटर अकाउंटेंट को पता चल जाएगा कि वन वन मंथ छोड़ के सारे ट्रांजेक्शन चेक किए जा रहे हैं तो ये जो सेप्ट है यहाँ पे सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए उनको पता ही नहीं चलना चाहिए कि इस बेस पे प्रॉपरली हम चेकिंग कर रहे हैं। तो दैट ऑल ऑल द फीचर्स रिलेटेड टू द टेस्ट चेकिंग इज कंसर्न तो ये आज हमने टेस्ट चेकिंग के बारे में पढ़ा है सिंपल कंसेप्ट है टेस्ट चेकिंग मतलब जितने ट्रांजेक्शन्स है उसमें से कुछ परसेंटेज ट्रांजेक्शन्स हम सिलेक्ट करेंगे और उसी के बेसिस पे बाकी के ट्रांजेक्शंस करेक्ट है ऐसा हम जजमेंट देंगे दैट सेट दिस वॉज द वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स करना एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना सो so दैट उनको भी जो टेस्ट चेकिंग का कंसेप्ट है वो समझ में आए अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एज वेल एज हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन सो दैट अगर मैं जैसे नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशंस आ जाएगा थैंक यू टिल देन बाय बाय वर्क हार्डर बी स्मार्ट